हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरे दिल से यही हमेशा दुआ रही है और रहेगी कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे और आप पे अपनी रहमतें और बरकतें करते रहें। फ्रेंड्स, ये मेरा 2024 का फर्स्ट व्लॉग है, पहला व्लॉग है ये मेरा और ये प्लीज मेरा फर्स्ट व्लॉग है। और रमज़ान के दिन चल रहे हैं और रमज़ान के दिनों में आज 11वां रोज़ा है और 11वां रोज़ा है और आज दूसरा जुम्मा मुबारक है। और मुझे पता है बहुत से लोग आज के दिन जुम्मा पढ़ने जाएंगे और जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे और अदा करेंगे और दुआ होगी, यहाँ पर भी होगी, बहुत सी मेरे घर के जो पास मस्जिद है उसमें भी होगी और पूरे पाकिस्तान में जितनी मस्जिद हैं, इस दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं, उन सब में जो है आसान होगी, लोग नमाज पढ़ने जाएंगे और हर जगह दुआएं मगफिरत होगी, अल्लाह की रहमत की दुआएं होंगी और सब अच्छी अच्छी दुआएं होंगी, खाना काबा में होगी, मदीना मुनव्वरा में होंगी, हर जगह होंगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस तरह है कि मुझ पे कुछ रूल्स हैं, मेरी ब्लॉगिंग में ना कुछ रूल्स आते हैं। लोग जो है ना वो ब्लॉगिंग इस तरह करते हैं कि वो बिल्कुल फ्री करते हैं, फ्री इस तरह मेरा कहने का मतलब, मुफ्त मेरा कहने का मतलब ये कि वो जगह जगह ट्रैवलिंग करते हैं, जगह जगह सैर सपाटे करते हैं और कोई मॉल में चला गया, कोई मॉल में चला गया, कोई कहीं घूमने चला गया, कोई किसी होटल में चला गया और जाके ब्लॉगिंग कर ली और कहीं जाके, और कुछ लोग घर में ही फैमिली ऐसी होती है या ऐसी ओपन माइंडेड फैमिली होती है कि उन पे ना रूल्स नहीं होते, वो ये कहते हैं, जिस तरह मैंने बहुत से ब्लॉग्स देखे हैं उनमें इस तरह होता है कि पूरी फैमिली भी आती है और फैमिली भी बीच में आती है, सब दिखाते हैं, वो इस तरह की ब्लॉगिंग होती है। पर मेरे घर में इस तरह नहीं होता, मेरे घर में कहते हैं तुमने ब्लॉगिंग करनी है, जो भी करना है, एक तुम्हें कमरा दिया है, तुमने उसी में ही रहना है, उसी में ही सब कुछ करना है, घर नहीं आना चाहिए, घर के लोग नहीं आने चाहिए, बस तुमने अपने घर अपने रूम में ब्लॉगिंग करनी है, जो भी करना है ना तुमने अपने रूम में ही करना है। फ्रेंड्स, मेरी जो एज है वो होगी है 32, ये 32 में मैं लगा हुआ हूँ और फ्रेंड्स मैं इतना सोचता हूँ और इतना स्ट्रेस में चला जाता हूँ कि मैं आपसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, ये एक हकीकत है, दिस इज़ अ रियलिटी कि जैसी मैं ब्लॉगिंग करूँगा या मैं जैसी ब्लॉगिंग करना चाहूँगा, मैं वो बातें करूँगा जो रियलिटी है, वो नहीं जो रियलिटी नहीं है। फ्रेंड्स, कोई हमेशा अपना नहीं रहता, एक अल्लाह पाक, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ बाप, ये एक बेसिक है। अल्लाह मोहम्मद हमारे वालदैन, ये बेइंतहा मुखलिस हैं, सबसे पहले अल्लाह मोहम्मद और फिर हमारे वालदैन, ये हर हाल में जो है ना वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपको माँ के दो तब भी ना दो तब भी, अल्लाह पाक तो है ही बेनियाज, अल्लाह पाक को तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपने वालदैन की बात कर रहा हूँ कि वालदैन जो होते हैं वो अपनी औलाद को हर तरह से एक्सेप्ट करते हैं, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, कमाती हो, ना कमाती हो, वालदैन ना अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल करते हैं। पर एक रियलिटी है कि जब वालदैन नहीं रहते तो फिर रिश्ते बदल जाते हैं, सब बदल जाता है, एवरीथिंग। जब मेरे वालदैन थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अम्मी हैं और मेरी अम्मी को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे और हमेशा सेहत तंदुरुस्त दे, उन्हें हम पर सलामत रखे, मुझ पर भी सलामत रखे, अल्लाह पाक सबके वालदैन को इस तरह ही सेहत तंदुरुस्ती दें और सलामत रखें उन पर उनका साया, क्योंकि ये बहुत बहुत ख़ास चीज़ होती है वालदैन का होना। फ्रेंड्स, जब बहुत से लोग कहते थे यतीम हो गया बच्चा, यतीम हो गया
वो यतीम हो गया। कभी कोई किसी की अब्बू फौत हो जाते थे तो किसी की अम्मी फौत हो जाती थी, तो मैं सोचता हूँ पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि वो फौत हो गया, वो फौत हो गए। और ना बहुत लोग गम करते हैं, औलाद बहुत गम करती है, बड़ा दुख करती है और बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस लेती है। और बाद में वालदेन के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता था, पर अब जो मुझ पर बीतती है ना, मेरे मेरे जो अब्बू हैं वो बहुत देर हो गया अब तो, आई थिंक 2016 में वो फोत हुए थे। फ्रेंड्स, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से रिश्ते बदलते हुए देखे हैं। ऐसे ऐसे रिश्ते भी फ्रेंड्स हो जाते हैं, रिश्ते अपने जो पूछते भी नहीं हैं। आप 6 6 साल बिस्तर में पड़े रहो, 7 7 साल बिस्तर में पड़े रहो, बीमार पड़े रहो, आपको कोई नहीं पूछेगा। ये एक रियलिटी है और ये सबके साथ होता है, हर एक के साथ होता है। कोई भी, हाँ 100 में से शायद 1 2 होते होंगे ऐसे रिश्ते जो बहुत मुखलिस होते होंगे, बहुत ऑनेस्ट होते होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया होता है, उनमें बहुत अच्छा ज़र्फ होता है उनका। कई लोगों को अल्लाह पाक ना, मैंने देखा है कई लोगों को अल्लाह पाक बेइंतहा बहुत दौलत, बेइंतहा तो नहीं कहेंगे, बहुत दौलत अल्लाह पाक अता फरमाता है, पर अल्लाह पाक ना उनमें ज़र्फ नहीं होता। वो किसी को दे नहीं सकते, किसी का भला नहीं कर सकते मुस्तकिल हमेशा के लिए, और एक दफ़ा भी करेंगे तो बहुत मुश्किल से करेंगे। और कई लोग गरीब होते हैं, वो इतना इतना भला करते हैं लोगों का, इतना इतना लोगों से अच्छा करते हैं। कई लोग अमीर होते हैं, वो बहुत बहुत सपोर्ट भी करते हैं गरीब लोगों को, यतीम लोगों को बहुत ज़्यादा करते हैं। ये एक रियलिटी है फ्रेंड्स। ये एक मेरी बात अपनी, मेरी वीडियो जो जो भी देखे ना, वो मेरी वीडियो जो है ना, मेरी वीडियो जो जो देखे वो ना इस बात को अपनी जेन में रख ले कि ज़िंदगी में कभी कोई सपोर्ट नहीं करता, कभी किसी से उम्मीद मत रखें, अल्लाह नबी के सिवा कभी किसी से उम्मीद ना रखें। वालदेन चले जाते हैं तो सब रिश्ते टूट जाते हैं, सब अगर बगर हो जाते हैं, सब रिश्ते बदल जाते हैं। सिर्फ अल्लाह और अपने रसूल पर यकीन रखें, और आप जितनी आफत कर सकते हैं करें, और YouTube पे काम करने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने जितना भी अब तक देखा है, मुझे लगता है अब इस 2024 से आगे जो है ये सब सारा ऑनलाइन ही सिस्टम हो जाएगा अर्निंग पे। और ये जो जॉब्स भी नहीं हैं, आपको तो पता है पाकिस्तान के हालात, अल्लाह हमारे पाकिस्तान पे करम करे, अपना फजल करे। बट मैं तो ऐसे ब्लॉगिंग कर रहा था, फर्स्ट ब्लॉगिंग 2024 की, ये मेरी पहला ब्लॉग है। और फ्रेंड्स, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ना हर रोज़ अच्छा ब्लॉग बनाऊँ, आप लोगों को अच्छी बात और अच्छा मैसेज दूँ, और एक रियलिटी हकीकत से रिलेटेड मैसेज दूँ। और फ्रेंड्स, मेरा एक ही प्रॉब्लम है कि मैं एक ही रूम में रह सकता हूँ और मैं इससे बाहर नहीं जा सकता। और इससे बाहर मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अपने अपने घर का माहौल होता है। कुछ लोग होते हैं बड़े ओपन माइंडेड होते हैं, और कुछ लोग होते हैं बड़े, मेरे घर वाले तंग सोच के भी नहीं हैं, बट वो कहते हैं क्लीमट रखो या तो हो ना मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे करना नहीं आ रहा, बट जो भी होता है एक रूम बस बेस्ट है, उसमें आप क्रिएट करो। अब तो पहले मुझे ना क्रिएट करो और अच्छा करो, जितना भी करो अच्छा करो और अच्छा करने की कोशिश करो, और फल देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। इंशाल्लाह इस तरह ही मैं रेगुलरली आता रहूँगा और नए नए ब्लॉग बनाता रहूँगा और रेगुलरली ही बनाता रहूँगा। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे कुछ ना, मैं रेगुलरली ही ब्लॉगिंग करूँ और अच्छी ब्लॉगिंग करूँ और बेहतरीन ब्लॉगिंग करूँ, और मैं बहुत सीखूँ। जाहिर सी बात है, जब मैं सीखूँगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँगा। तो प्लीज़ इंशाल्लाह मिलते हैं अल्लाह पाक के हुक्म से और अल्लाह पाक के फजलो करम से। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और घंटी के बटन को दबा के ऑल पर कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज़।